शुभ संध्या सभी मित्रों का। हम अपने इस 7:30 आपके साथ कार्यक्रम गुप्तगु में आपका स्वागत करते हैं। आज का मेरा विषय रहेगा, क्या हम हिंदू हिंदू जय श्री राम कहते कहते या केवल गर्व से कह देने मात्र से कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो यह कथन मात्र से क्या हिंदुत्व का कल्याण हो जाएगा? चर्चा का विषय हमारा इसी बिंदु के आसपास चलेगा और इस बिंदु पर वास्तविकता क्या है, क्या होनी चाहिए, इन बिंदुओं पर आज हम आपसे इस गुप्तगु में चर्चा करेंगे। चीजों को समझने से पहले या हम जब कुछ बताएं उसके पूर्व एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आ सकता है, वह यह है कि क्या प्रचार तंत्र के माध्यम से बताए जा रहे हिंदुत्व ही हिंदुओं का कल्याण करेगा, अथवा प्राचीन काल से जो वैदिक मान्यताएं हमारी हैं, वेद हैं, रामायण हैं, गीता हैं, पुराण हैं, उनकी बातें, उनकी कही गई बात हम सबों के कल्याण का माध्यम बनेगा, कल्याण का कारण बनेगा। तो यह जो प्रश्न है यह खुद से पहले स्वयं से पूछने की जरूरत है कि हमारा हिंदुत्व किस चीज में ज्यादा सुरक्षित है, प्रचार माध्यमों के जरिए जो स्थापित की जा रही हैं मान्यताएं वह हिंदुत्व का रक्षा करेगा कि हमारे प्राचीन काल से चली आ रही हमारी संस्कृति, हमारा वेद, हमारा पुराण वह हमारे लिए जीवन जीने का सुगम मार्ग दे सकता है। तो इस चीज को पहले खुद से प्रश्न कर लेने की जरूरत है इस वक्तव्य में आगे बढ़ने से पहले। दूसरी बात, क्या हम हिंदुओं को हिंदुवादी मत, हिंदू और हिंदुवादी मत, पंथ और उसके फैक्टर्स के साथ जो विभिन्न विभिन्न रूपों में हमारे समक्ष में, चाहे वो संगठन के रूप में हो, चाहे वो पंथ के रूप में हो या मत के रूप में हो, वो ये नहीं कर रहे हैं कि हम हिंदू नहीं, लेकिन वो विभिन्न मत पंथ संस्था ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वयं को आगे लेकर के बढ़ने की जरूरत है कि हमारा जो वैदिक परंपरा है, जो हमारे स्थापित केंद्र हैं हिंदुओं के, उनके मातहत आगे बढ़ने का जरूरत है, यह भी एक सोचने का विषय वस्तु है। जब इन दो मूल प्रश्नों पर जब आप विचार करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको किसी दूसरे गाइडलाइन की आवश्यकता होगी या किसी दूसरे की बात सुनने या मानने की जरूरत पड़ेगी। उत्तर स्वयं से आपके समक्ष में प्रकट हो जाएगा, सत्य को आप स्वयं से ही जान लेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है वो यह है, या चिंता का जो विषय है आज के समय में, वह
हिंदुत्व का वह सूत्र सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है जो प्रचार के माध्यम से हम आपको बता दिया जा रहा है। उसमें वैदिकता या हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसका आधार कितना है यह परखने की शक्ति आम जनों में छिन्न होते जा रही। कहा गया धर्म, बताया गया धर्म हिंदुत्व है कि नहीं, इस बात का परख करना भी आज के समय में सच्चे हिंदुत्व के लिए एक परीक्षा की घड़ी है कि हम जिस राह पर निकल पड़े हैं, जिसे हम वास्तव में हिंदुत्व समझ रहे हैं या जिसके लिए हम जयकारी लगा रहे हैं, क्या वास्तव में वह हमें अपने हिंदुत्व को सुरक्षित रखने में सहयोगी बनेगा कि हमें भी अन्य पंथों की तरह, अन बटे गुटों की तरह एक और गुट में हमको बांट देगा। इस बात को समझना आज के हिंदुत्व सुरक्षा के लिए, हिंदुत्व रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम भारतीयों की एक बहुत समस्या है, हम अपनी चीजों पर, अपनी बातों पर, अपनी मान्यताओं पर तब तक अडिग नहीं होते हैं जब तक कि पश्चिम का सर्टिफिकेट हमको नहीं मिल जाता है हमारी बातों को, दूसरे देशों का, विदेशों का मोहर उसके ऊपर नहीं लग जाता है तब तक उन चीजों को, उनके महत्व को, उनकी विशेषता को हम नहीं समझ पाते। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल बताऊंगा। विवेकानंद पर मोहर तब लगा जब वो विदेश में जाकर के चर्चित हो गए। मैं इस पॉइंट को यही रखूंगा क्योंकि विवेकानंद भी एक अलग विषय है, इस विषय से सीधा संबंधित नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। हमारे संत, हमारे महात्मा, सत्य वक्ता अनेक हैं इस देश में, प्रभु की कृपा से हमें भी पूरा देश में कई संतों से मिलने का मौका मिला है, हिमालय से लेकर के साउथ के समुद्र के तट तक हर जगह हमने भी कई संतों से मिला है। तो हम उन खोजी संतों की बात को माने या जो हिमालय में है, जो वास्तव में संत हैं, हम वैसे जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो स्थापित हैं, प्राचीन काल से स्थापित हैं, हम उनकी बात को माने कि विभिन्न पंथों के लोग जो हिंदुत्व को टुकड़ों में बांट करके नाम उन्हीं वेदों का ले रहे हैं, नाम उन्हीं उसी हिंदुत्व का ले रहे हैं, नाम उसी वैदिक परंपरा का ले रहे हैं, लेकिन उसका विश्लेषण अपनी जरूरत के अनुसार कर रहे हैं। आज देश में कई ऐसे संगठन हैं जो हिंदुवादी के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ नाम बहुत प्रसिद्ध है। पहला तो अभी सबसे प्रमुख है हमारा आरएसएस, देश का सबसे बड़ा हिंदुवादी संगठन, आर्य समाज, कुछ साई भक्त हैं, संत पाल जी महाराज हैं, निरंकारी, ब्रह्म कुमारी, गायत्री परिवार, सदगुरु, आर्ट ऑफ लिविंग, रामपाल, राम रहीम, स्वामी नारायण, ऐसे ऐसे कई एक संगठन हैं जो इस देश में हिंदुवादी संगठन माने जाते हैं, लेकिन ये संगठन जो एक हिंदुत्व हो सकता था
उसे खंडों में विखंडित कर दिए। इनमें से कोई, जब मैं देखता हूं, मिला भी हूं सभी लोगों से, मैं सबका सम्मान भी करता हूं कि एक फैक्टर्स में कि किसी न किसी रूप से ये लोगों को सदमार्ग पर ही चलने का प्रेरणा देते हैं, वह एक अच्छी बात है। लेकिन हिंदुत्व की जहां बात आती है तो हर छोटे छोटे लाभ के बाद एक बड़ा फैक्टर्स जो है वो सभी चीजों को तोड़ देता है कि हिंदुत्व जो है वो विखंडित हो रहा है। एक केंद्र में हिंदुत्व जो है वो टिका नहीं है, एक शक्ति में हिंदुत्व जो है वो बंधा नहीं है। सबका सूत्र अपने अनुसार है, सबका सूत्र अपने फायदे के अनुरूप है। हमने कहा कि हिंदुत्व का आधार हमारा वेद है, वो ब्रह्म शब्द है। हिंदू का आधार हमारा रामायण है, हिंदुत्व का आधार हमारी गीता है। मैं जिन संगठनों का इनमें से नाम लिया, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो खराब है या अच्छा, लेकिन इतना मैं समान आदमी होने के नाते इतना अवश्य समझता हूं कि इनमें से लगभग नहीं के बराबर ऐसे हैं जो लोगों को बार बार कहें कि आपने आज सुबह गीता पढ़ी कि नहीं। इन संगठनों में से ऐसे बहुत कम हैं जो ये कहे कि आपके घर में रामायण है कि नहीं। इन संगठनों में से ऐसे बहुत कम हैं जो लोगों को ये बताएं कि आप शिव को मानते हैं कि नहीं, ब्रह्मा को जानते हैं कि नहीं। सबके अपने अपने मत हैं, सबकी अपनी अपनी बात है। तो किस आधार पर हम यह माने कि ये टुकड़ों में बटे लोग हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या मात्र जय श्री राम का नारा जप नहीं कि राम नाम जपिए आप सुबह शाम 108 बार भगवान श्री राम का नाम ले, ये नहीं, जय श्री राम नारा, ये नारा हिंदुत्व का सहयोगी नहीं हो सकता है। हमारा वेद हिंदुत्व का सहयोगी हो सकता है जो कहता है कि आप सियाराम सियाराम सुबह शाम जपिए, और शायद हमारे लिए कुछ मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। बहुत लोगों का यह तर्क होता है, मैं इन बिंदुओं पर जब कभी चर्चा करता हूं तो तर्क होता है, चीजें बदलती रहती हैं और उसके अनुसार आपकी बात और आपके तरीके भी बदलने चाहिए। जो व्यक्ति यह तर्क देता है कि बहुत चीजें बदलती रहती हैं और उसके अनुसार आपको अपनी मान्यताओं को बदलनी पड़ेगी, उनसे बड़ा सरल और एक ही चीज का हमारा एक ही प्रश्न होता है कि जब ऐसा बदलना रहता तो सूरज भी पश्चिम में उगना शुरू कर देता। कुछ चीजें जो सत्य हैं, जो ब्रह्म वाक्य हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार उनके अर्थ को बदल दे सकते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार उसके सत्य को कुछ किसी अन्य रूप में व्याख्या कर दे सकते हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। उस सत्य को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जब वह सत्य बदलता तो फिर वो सत्य क्यों रहता। तो हमारा जो इस सभी चर्चा का जो मूल उद्देश्य है वो मैं लोगों को यह बताना चाहता हूं कि वास्तव में हिंदुत्व जो है वो हमारा हमारे वेदों में छिपा है, हमारे संस्कृति में छिपा है, रामायण में छिपा है, गीता में छिपा है। इनके आधार पर कही गई बात या कोई भी चीज जब आप जिसको समझ रहे हैं कि यही हिंदुत्व है या यह हिंदू की बात है, उसको आप इन इन मापक जिनका मैंने नाम बताया, चाहे वेद हो, शास्त्र हो,
गीता हो, रामायण हो, एटलीस्ट जहां जहां तक आपकी पहुंच है उनके आधार पर इसको तौलने की कोशिश करें। अब एग्जाम्पल ले, मैं छोटा सा देता हूं, बात को बहुत आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मेरे अंदाज से मेरा कहने का उद्देश्य आप समझ गए होंगे कि हिंदू एक एक का नारा लेकर के इस देश में विभिन्न खंडों में बटे हुए हैं, अलग अलग नामों से वो जाने जा रहे हैं, सबकी सोच अलग है, सबका प्रोग्राम अलग है, सबका प्लान अलग है, और लेकिन सबका ओवरऑल जो उसका दुष्परिणाम यही हो रहा है कि हिंदुत्व तो एक की जो बात है देश में वह नहीं हो पा रही है, या हिंदुत्व के अर्थ, क्योंकि जैसे ही आप हिंदुत्व के सही अर्थ को समझ जाएंगे तो फिर इससे दुनिया में किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती है। दुनिया में दिक्कत तब है जब आप हिंदू होने का मन रख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्व की बुनियाद आपके अंदर में नहीं है, इसलिए लोग आपको अलग मान लेते हैं, आपसे लोग खतरा समझ लेते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति या संसार या जगत या दुनिया ये जान जाएगा कि नहीं एकदम ये पक्का हिंदू है, तो आपसे तो किसी को कुछ समस्या ही नहीं हो सकती है, आपके तो कोई दुश्मन ही नहीं हो सकता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती। रामायण हमारा कहता है, भगवान श्री राम प्रश्न उठा दिया किसी आम नागरिक ने, एक जनता ने, कि देखिए नए कैसे हैं, अरे ये तो वो चुप है, साइड से खबर मिल गई कि ये तो दूसरे जगह सीता जी रह करके आई है। ये सत्ता पर प्रश्न होने के बाद भी उसे स्वीकार करने की शक्ति राम राज्य में, इसे उन्होंने सीरियस लिया, उसे ऐसा नहीं कह दिया कि तुम राजद्रोही हो गया, तुम देशद्रोही हो गया, क्योंकि तुमने प्रश्न क्यों खड़ा कर दिया, तुमने सवाल क्यों पूछ दिया, तुम तो राष्ट्रद्रोही हो गए। अब जो ये बात कहते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सूत्र, पता नहीं हिंदुत्व के कौन सूत्र पर वो चलते हैं। मैं बोलता हूं बड़ा स्पष्ट रूप से, और बोलनी भी चाहिए हर एक व्यक्ति को, हमारा तो ऐसा नहीं सिखाता है कोई भी हिंदुत्व का पाठ, हम जिम्मेवारी में है, सत्ता क्या है, वो है जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी में कमियां आएंगी तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर प्रश्न होगा, और जो प्रश्न होगा उसको हम दुश्मन नहीं मान बैठेंगे, बल्कि उसका समाधान करने की हम कोशिश करेंगे कि उन चीजों का समाधान हो, हम करेंगे प्रश्न का हम समाधान करेंगे, न कि आपको ही हम राजद्रोही, देशद्रोही, हिंदुत्व विरोधी और न जाने क्या 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 घोषित कर देंगे। यह बिल्कुल गलत परंपरा है, जो भी ऐसा व्यक्ति करते हैं, जो ऐसा करते हैं फेसबुक पर, ऐसा इस तरीका का चीज लिखते करते हैं, तो आप समझ जाइए कि वह हिंदुत्व के नाम पर, केवल हिंदुत्व के नाम पर है, हिंदुत्व की सीड उनके अंदर में भी संभवतः नहीं पड़ा हुआ है, इसीलिए वो इस तरह की बात करते हैं, आपको कुछ भी द्रोह घोषित कर देंगे जब आप सत्ता के विरुद्ध में बात कीजिएगा। कई एक ऐसी बातें होंगी, सभी बातों का मूल अर्थ यही है कि ये कहे जाने वाले हिंदुत्व के फेर में लोगों को नहीं पड़ना है, अब न हिंदुओं को बहुत विभेद में बटना है, आपको हिंदुत्व यदि जानना है सचमुच में तो अपने प्राचीन ग्रंथों का आधार लीजिए, उनकी मान्यता दीजिए, इन बटे हुए संगठनों को जानिए, पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानिए उन्हीं बातों को जो हमारे वैदिक परंपरा से चले आ रहे। शंकराचार्य जैसे व्यक्ति उस तरह का हिंदुत्व का एक जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उनके द्वारा कही गई बातों पर अधिक अमल कीजिए, बनिस्पत की इस तरह के सभी जो चीजें हैं, सीखना सब जगह से है, कोई हर्ज नहीं है, वो भी अच्छी बात बोलते हैं, हम सीख लेंगे,
लेकिन हम जहां हिंदुत्व की बात होगी तो हम अपने प्राचीन परंपराओं को मानेंगे, हम अपने वैदिक आधार को मानेंगे, और अनुसरण जब हमें करना होगा तो हम अनुसरण करेंगे हमारे वेद के विज्ञाता, आज के समय में हमारे सेंटर्स है, हमारा बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कम से कम 4 शंकराचार्य हैं, और भी ऐसे हमारे केंद्र हैं जहां के चीजों को हम अनुसरण करेंगे। नमस्कार, इसी में हिंदुत्व की भलाई है, बटना नहीं है, टूटिए नहीं, तर्कों से विभेद की संपूर्ण सृष्टि ही एक है और सब हमारे हैं और हम सबके हैं, तो फिर आपका बुनियाद सही है और सही हिंदुत्व के राह पर आप चल रहे हैं। नमस्कार, शायद हमारी बात, हमारी मंशा आप समझ गए होंगे। इस तरह करके हम जरूर हिंदुत्व की रक्षा कर सकते हैं, अपने परंपरा की रक्षा कर सकते हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। यही अंतर है हिंदू होने और हिंदू मानने। नमस्कार, सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, सब आनंदित रहें।